हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी। एंड आज हम कवर करेंगे न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा ऐसे वेलिंगटन वर्सेस नॉर्थन के बीच। गाइस, क्या होगी इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम और कौन से वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले जिन्हें हमें आज अपनी टीम में रखना है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो टेस्ट मैच है इसमें काफ़ी बिग प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन हाई लेवल है और वो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो पहले ही आपको मैं सारा यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है क्लियर कर दूंगा, तो जो प्लेयर नहीं खेल रहे वो भी आपको पहले ही बता दूंगा, तो उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। गाइज, अगर सबसे पहले बात करें, देखिए दोनों ही टीमों के स्क्वाड के बारे में, तो दोनों ही टीमों ने यहाँ पे अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब अपने स्क्वाड में कौन से प्लेयर है, कौन से खेलेंगे, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें वेलिंगटन फायरवर्ड्स की तरफ से, तो यहाँ से देखिए वेलिंगटन की तरफ से जो कप्तान और विकेट कीपर है वो आपको टॉम ब्लंडन आपको कैप्टन और विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ से ल्यूक जॉर्जसन हो जाएंगे गाइज, निक ग्रीनवुड को मौका मिला है, यहाँ से डेवी हो जाएंगे गाइस, जेम्स हो जाएंगे, जॉनसन आपको दिख जाएंगे, निक केली आपको दिख जाएंगे, एडम हो जाएंगे, यहाँ से मैक आपको दिख जाएंगे, रचिन रविंद्र भी ये मैच आपको खेलते हुए दिखेंगे, जो कि एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी आपके लिए रहने वाले। वहीं टिम रॉबिन्सन हो जाएंगे, मिचेल हो जाएंगे यहाँ से, और डेविन हो जाएंगे गाइस। तो ये जो है वेलिंगटन की तरफ से इन्होंने स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया है, तो ये इनका स्क्वाड है, ध्यान से देख लीजिएगा आप। बाकी आपको क्लियर कर दूंगा कौन से प्लेयर इस मैच में खेलेंगे और कौन से नहीं। वहीं गाइस, अगर नॉर्थन की तरफ से बात करें, तो नॉर्थन ने भी अपना स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया है, तो अब देख लेते हैं नॉर्थन के स्क्वाड के बारे में। सबसे पहले तो जीत रावल आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, जो कि आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे या नंबर 3 पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। हेनरी कूपन यहाँ से दिख जाएंगे, भरत आपको दिख जाएंगे, जॉय कार्टर आपको नंबर 4-5 खेलते हुए दिख जाएंगे, टिम सेपर्ट आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे या फिर नंबर 6 के आसपास खेलते हुए दिख जाएंगे, साथ ही साथ विकेट कीपर भी करते हुए दिख जाएंगे कीपिंग भी। और यहाँ से कॉलिन डी ग्रैंडहोम दिख जाएंगे, जो कि देखिए मुझे लगता है बॉलिंग थोड़ी कम ही करवाएंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर इन्हें कर रहे हैं तो बॉलिंग के अकॉर्डिंग मत करिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। वहीं ब्रेड हैम्पटन यहाँ पे स्क्वाड में इन्होंने करे, यहाँ से क्लार्क हो जाएंगे गाइस, नील वैगनर हो जाएंगे, जॉय वॉकर हो जाएंगे यहाँ से, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों आपको करके देंगे, स्पिनर एक मैथ्यू फिशर हो जाएंगे यहाँ से, और कैटन क्लार्क आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। तो ये जो है गाइस नॉर्थन की तरफ से स्क्वाड है। गाइस, अगर बात करें हमारी टीम की, तो आपको पहले एक बार टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ मैं हमारा। देखिए गाइस, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हैं। गाइस, इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम आपको जैसे ही टॉस होगा तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ टेलीग्राम पे हम फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी सभी मैचेस कवर करते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मैच की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। गाइस, बात करें अगर इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई यूट्यूब पे नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलता जाएगा। और गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस मैच के लिए बताऊँगा, काफ़ी बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे। चलिए अगर बात करें हमारी फैंटेसी टीम की, तो सबसे पहले विकेट कीपर में बात करें, तो देखिए यहाँ से डेविन कॉनवे जिनका सिलेक्शन जो है 54% है, जो कि आपको इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, तो इन्हें अपनी टीम से रिमूव कर दीजिएगा। टॉम आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, सेफर्ट आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, टॉम थोड़ा नंबर 6 के आसपास आपको दिख जाएंगे, नंबर 6-7 पे, वहीं सेफर्ट भी अगर नंबर 6 पे दिख जाएंगे, 5-6 पे आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। तो फिलहाल मैंने इन दोनों को ही अपनी टीम में रखा है। अब देखिए गाइस, दोनों जो है विकेट कीपिंग भी करेंगे और ये एक टेस्ट मैच है, तो विकेट कीपर जो है आराम से कम भी नहीं ना 4 से 5 कैच आपको पकड़ के दे देगा, तो उन कैच के पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैंने सेफर साइड विकेट कीपर को अभी दोनों ही अपनी टीम में रख लिया है। बात करें गाइस देखिए बैटिंग में, तो देखिए यहाँ पे भी केन विलियमसन जिनको 60% लोगों ने ले रखा है, जो कि नहीं खेलते हुए दिखेंगे, ब्रेसवेल 65% लोगों ने ले रखा है, ये भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, जीत रावल आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, शानदार बल्लेबाज डोमेस्टिक में अच्छा करते, एलन आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, एक और प्लेयर आपको नहीं दिखेंगे। और यहाँ से अगर बात करें गाइस, तो भरत आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, निक केली आपको खेलते हुए दिख जाएंगे,
जॉय कार्टर हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से क्लार्क को मैंने अभी के लिए अपनी टीम में रखा है, जो कि आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। ध्यान रखिए गाइस, ये बंदा हिट और मिस प्लेयर है, चल गया तो अच्छी इनिंग्स आपको खेल के दे देगा। फिलहाल मैंने बैट्समैन में बात करी तो क्लार्क को रखा है यहाँ से, कैली को रखा है और रावल को यहाँ से रखा है। अब बात करिए गाइस ऑलराउंडर में, रचिन रविंद्र आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, प्लस आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, तो अब बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों ही पॉइंट देंगे। वैन बीक की बात करें गाइस, तो इनका सिलेक्शन भी 62% है, जो कि आपको नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। कॉलिन डी ग्रैंडो आपको नंबर 7 के आसपास बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, प्लस 7 में बॉलिंग भी कराएंगे तो करवा लेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ से रविंद्र को रखा है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम को रखा है। वहीं बात करें, कोई और ऑप्शन है नहीं ऑलराउंडर में जो कि आपको कोई अच्छा ऑप्शन होने वाला है, वैन बीक आपको खेलेंगे नहीं। बात करें गाइस अब देखिए बॉलिंग में, तो देखिए टिम साउदी जिनका 57.6% है, ये भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। एडम मिलने 63% है, ये भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, और बोल्ट भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। दुनिया ने अभी इनको पिक कर रखा है और आपके भाई ने पहले ही बता दिया ये आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो काफ़ी बड़े प्लेयर जो कि आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे, पहले ही अपनी टीम में ड्रॉप कर दीजिएगा। बात करें वैगनर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे गाइस, शानदार बॉलर है, साथ ही साथ में अगर बैटिंग आ गई तो बैटिंग में भी रन कर देते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक अच्छा पॉइंट आपको दे जाएंगे। स्कॉट कुकले आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बैन सीएस भी नहीं दिखेंगे गाइस, तो काफ़ी प्लेयर नहीं खेलेंगे यहाँ से। फिलहाल मैंने न्यूटन को अपनी टीम में रखा है, वॉकर को रखा है और यहाँ से मैथ्यू फिशर को रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ से फिलहाल बॉलिंग में मैंने फिशर, वॉकर, न्यूटन और यहाँ से वैगनर के साथ मैं अभी गया हूँ। बात करें गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए काफ़ी ऑप्शन आपके पास है, बट मैं अगर आपको प्रिफेयर करूँगा तो आप क्या तो टॉम के साथ जा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन होगा जो कि बैटिंग प्लस विकेट कीपर से आपको कैच पकड़ के पॉइंट दे देंगे। कॉलिन डी ग्रैंडहोम को फिलहाल मैं यहाँ से सजेस्ट नहीं करूँगा, बट फाइनल टीम जो होगी टॉस के बाद आपको दे दी जाएगी, तो उसमें मैं करूँ या नहीं करूँ वो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ से रविंद्र को कैप्टन कराया और वाइस कैप्टन वैगनर को कराया। अब देखिए गाइस रविंद्र तो एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगे। वहीं वैगनर भी आपको बॉलिंग, एक विकेट टेकर बॉलर है, तो उम्मीद करिए कि विकेट तो आपको निकाल के देंगे ही देंगे, साथ में अगर बैटिंग आ गई तो वहाँ से भी 30-35 रन आपको ईजिली करके दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन है। बात करें गाइस अगर हमारी टीम के प्रीव्यू के बारे में, तो फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। गाइस मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो फाइनल टीम है वो टेलीग्राम पे आपको लाइन आउट होते ही, मतलब टॉस होते ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज यार उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, काफ़ी बिग प्लेयर्स है जो कि आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे इस मैच में। तो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई को भी थोड़ा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो में, गुड लक, टेक केयर।